भिवाड़ी के खिजूरीवास गांव में जब हमारे संवाददाता ने आगामी चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत की, वहीं आगामी चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा ज्यादा सरल रहेगा या बैलेट पेपर द्वारा, तो लोगों का कहना था कि चुनाव ईवीएम मशीन से ही कराया जाए। वहीं ग्रामीणों ने पेट्रोल डीजल के दाम एवं महंगाई को लेकर नाराजगी जताई है। पेश एक रिपोर्ट। सर, आपकी बात किसकी सरकार? कुछ नई पार्टियां भी इसमें आप मैदान में कूद कर आ रही हैं, जैसे कि अपनी आम आदमी पार्टी हो गई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह महंगाई है इस समय, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस बारे में? पेट्रोल डीजल तो ये भाव तो है, बढ़ते घटते रहते हैं, बाकी बीजेपी को भी काम किया है, कोई चीज़ नज़र नहीं होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी ये भाई है सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आपकी बार किसकी सरकार सर? राजस्थान में बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार सर, तो जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर भी आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी ने बहुत पूर्ण रूप से काम किए, यहाँ पे सारे काम सफल हुए हैं जी, और बीजेपी के राज्य में जितने भी काम हुए हैं आज तक सब सरकार निकल रही है, सिर्फ एक बीजेपी सरकार है जो 5 सालों में पूरा राज किया। भाई सरकार देख मोदी की तो आ गई होगी जी, उसके पूरा समर्थन है मोदी जी, और राजस्थान में जी बढ़िया काम ना कर रहा है। अच्छा, एक तो किसानों के दिल बढ़ा रही बहुत ज़्यादा। इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, सेंटिव नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही। तो वो आप इस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस बारे में? भाई डीजल पेट्रोल को तो कम करेगा सरकार, आओगी नहीं कहेगा, इसका समाधान निकालेगा ना तभी। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार से आप खुश हैं सर? हाँ बिल्कुल जी सर। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारे जो इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन होने वाले हैं, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें जो आप क्या चाहेंगे, ईवीएम मशीन द्वारा इलेक्शन हो या फिर बैलेट पेपर द्वारा इलेक्शन हो? मशीन से ही हो।